The first, critical concentration. किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट का वो अमाउंट जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे उसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। उससे ज्यादा या कम होने पर उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा या कम होने पर वहां पर कुछ एनामोलीज हो सकती है, गड़बड़ियां हो सकती है प्लांट में। ओके, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन लेवल विच इज नीडेड फॉर अ प्लांट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। That exact amount of solute or mineral solutes or minerals required for plant to grow normally is termed as critical concentration। इस कॉन्सेंट्रेशन से कम या ज्यादा होने पर प्लांट को अफेक्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर बिलो लेवल है, बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तब हम कहेंगे कि वो डिफिशियंट। ओके, एंड एज अ रिजल्ट वो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स रिप्रेजेंट करेगा। वहां पर डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स दिखेंगे उस एलिमेंट से, उस मिनरल से रिलेटेड डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखेंगे उस लिविंग में प्लांट। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो अब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अगर लेवल है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का, मिनरल का, तो देन वो टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, वो टॉक्सिक रहेगा तब, उस लेवल को हम बोलेंगे टॉक्सिक लेवल। और इस टॉक्सिक लेवल में वो ऑर्गेनिज्म को अगेन हार्म पहुंचाएगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और उसके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखेंगे हम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन अगर बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो, ओके, तो नाइट्रोजन के लिए हमने पढ़ा था कि वो प्रोटीन फॉर्म करता है, बायोमोलिक्यूल्स बनाता है, विटामिन्स बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, तो ये सारी चीजें अफेक्टेड होगी और उसके कारण जो यंगर लीव्स है उनमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनकी अब्सेंस के कारण क्लोरोफिल नहीं बनेगा और क्लोरोफिल नहीं बनने से वो लीव्स पर व्हाइट स्पॉट दिखने लगेंगे आपको सबसे पहले। ओके, उस लीव पर, नई लीव्स पर आपको वहां पर व्हाइट स्पॉट्स वगैरह दिखने लग जाएंगे। तो जनरली डिफिशियंसी सिम्टम्स यंगर लीव्स में, यंगर टिश्यूज में सबसे पहले दिखते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, यंग टिश्यूज में, यंगर लीव्स में, यंगर पार्ट्स में डिफिशियंसी के सिम्टम्स फर्स्ट दिखते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो इमोबाइल होते हैं। ओके, इमोटाइल, इमोबाइल का मतलब है कि वो मोटिलिटी नहीं शो करते, मोबाइलिटी नहीं शो करते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इमोबाइल है,
तो अगर वो ओल्ड लीव में और ओल्ड लीव का सेनेशन वहां पर हो रहा है तो वो नई लीव में नहीं जाएगा, तो नई लीव को जो पुराना वाला वहां पर कैल्शियम है वो न्यू लीव्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और अगर पहले से डिफिशियंसी है प्लांट वहां पर सॉइल में, तो फिर वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पुराने में वैसा का वैसा रह गया कैल्शियम पुरानी लीव का वेन्स के अंदर उसकी, तो कैल्शियम अगर डिफिशियंट है इन्वायरमेंट में उसके सॉइल में, तो इस तरह से वहां पर कैल्शियम की डिफिशियंसी सबसे पहले यंगर लीव्स में दिखेगी, ओके, क्योंकि ओल्ड लीव्स का जो कैल्शियम है वो नहीं जाएगा वहां से न्यू टिश्यू के। सल्फर भी ऐसे ही करता है, ओके, सल्फर भी कैल्शियम के जैसा ही ओल्ड टिश्यूज में अगर है तो न्यू टिश्यूज में वहां से मोबिलिटी नहीं शो करता, ओके। कैल्शियम सल्फर ये दो मेजर एलिमेंट है जो इमोबिलिटी शो करते हैं। प्लांट में कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर लीफ फॉल एंड बर्ड्स, ओके, और सेल डिवीजन का इनहिबिशन, ओके। तो मोस्टली कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखते हैं प्लांट्स में? डिफिशियंसी सिम्टम्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स उनमें क्लोरोसिस। बेटा कभी कब से किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दो, ओके, हर बार ये बोलना जरूरी नहीं है, ओके, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप लोगों को माइक बंद कर देना चाहिए बेटा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में उसका स्टूडेंट का नाम लूंगा फिर आप, ओके, ध्यान रखना बेटा, गलती से रह जाता होगा किसी से, इसलिए मैं यहाँ पर ही नहीं कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें वहाँ पर देखना चाहिए, कभी कभार हो जाती है एक हद बार मिस। क्लोरोसिस, ओके, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ओके, स्टंटेड ग्रोथ, ओके, स्टंटेड ग्रोथ, और क्या बोल सकते हैं सर? डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट मतलब डेड हो जाएंगे, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं बेटा सेल किलिंग, ओके। तो प्रीमैच्योर लीफ फॉल, फ्रूट फॉल, प्रीमैच्योर लीफ फॉल, फ्रूट फॉल, बर्ड फॉल, ओके, ये भी यहां पर ऑब्जर्व हो सकता है। और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स है जो प्लांट्स में किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी से वहां पर दिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन सर। गुड। डन सर। गुड। सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने बोला था वो रामदासपेट ब्रांच या फिर मानकापुर ब्रांच से बोला था डन के लिए?
मानकापुर। मानकापुर, तो रामदास पेट ब्रांच में होगी बेटा। हिमांशु? यस सर, डन सर, डन सर। ओके, क्योंकि आदित्य तो अभी आया लास्ट में। तो इनमें से वन बाय वन अगर हम कुछ इसके लिए देखें तो कुछ मेजर सिम्टम्स के लिए जैसे कि क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, इनके ऊपर कुछ कॉमन आपको क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मीनिंग क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन। ओके, और क्लोरोफिल अगर डिस्ट्रक्ट हुआ, कोई आया है एंटर कर, क्लोरोफिल अगर डिस्ट्रक्ट हुआ तो लीफ का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? अरे कोई ओल्ड लीव आपने देखी हो जिसमें कि क्लोरोफिल, हाँ वेरी गुड, येलो येलोइश हो जाती है बेटा पहले वो, क्योंकि क्लोरोफिल टूट रहा है, सभी पिगमेंट नहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट होते हैं, तो जब क्लोरोफिल वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है तो अलग अलग जो पिगमेंट है वो अपना कलर अपियर करवाने लग जाते हैं। क्लोरोफिल एबंडेंस में था इसलिए केवल ग्रीन कलर दिख रहा था, जैसे राइपन फ्रूट्स कलर बदल देते हैं, जैसे तो जैसे बनाना। ओके, बनाना अगर कच्चा है अनराइपन कंडीशन में है तो बाहर से आपको कैसा दिखेगा अनराइपन कंडीशन? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। मैंगो अगर अनराइपन है तो कैसा दिखेगा? वो भी ग्रीन कलर का। पपाया कैसे दिखेगा? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ओके, लेकिन राइपनिंग के बाद में कैसे दिखते हैं सभी? येलो है ना, तो येलो क्यों दिखते हैं फिर वो राइपनिंग के बाद? पिपलिंग की वजह से, और क्योंकि उनका जो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल रहता है उसको बाद में पिगमेंट से बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का काम नहीं बचता, फोटोसिंथेसिस कर लिया उसने, राइपनिंग जितना उसको अनराइपन कंडीशन में जितना ग्रो होना है उतना ग्रो हो जाता है, और अब उसके बाद में पूरा अगर हो चुका है उसमें साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन वगैरह हो चुका है तो अब इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, जो कैल्शियम पैक्टेट की लेयर है वो भी टूटेगी और वहां पर क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा। क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होने से बाकी जो पिगमेंट वहां पर प्रेजेंट है, अब क्लोरोफिल हट गया तो ग्रीन कलर हट गया लेकिन बाकी पिगमेंट्स को नहीं डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर, तो बाकी पिगमेंट्स का कलर दिखेगा वहां पर। ओके, कैरोटीनॉइड्स का ज्यादातर कैरोटीनॉइड्स वहां पर बीटा कैरोटीन है इसलिए वहां पर वो येलोइश कलर दिखाते हैं। ओके, तो नंबर वन डिफिशियंसी में क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होने से क्या होगा? इट विल लीड टू येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स येलो हो जाती है। ओके, सेनेसेंस हो जाता है लीफ में। ओके, और फिर लीफ फॉल आगे जाकर के हो सकता है। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो क्लोरोसिस कॉज करवाते हैं? कॉज बाय डिफिशियंट अमाउंट ऑफ, किस किस के कम अमाउंट से क्लोरोसिस होगा? उसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, सॉरी हाँ मैग्नीशियम भी आएगा ना, मैग्नीशियम तो पहले आना चाहिए क्लोरोफिल बनाने में, मैग्नीशियम भी होगा। सो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मॉलिब्डेनम, ओके मॉलिब्डेनम,
सॉरी थोड़ी छूट तो ले रहा है हमसे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, जिंक एंड मैग्नीज। ओके, जिंक एंड मैग्नीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जिनमें से किसी की भी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्लोरोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस होगा वहां पर। ओके, ऐसे ही सेकंड है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है किलिंग ऑफ टिश्यूज, सेल्स किलिंग, किलिंग ऑफ सेल्स, और ये लीड करेगा फिर लीड टू किलिंग ऑफ टिश्यूज। सेल्स मरेगी तो सेल्स से जो टिश्यू बने थे वो भी मरेंगे। ठीक है, और पूरा ऑर्गन अफेक्ट होगा प्लांट का। ठीक है, कभी कभार ये ओनली पर्टिकुलर टिश्यू तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। और ज्यादातर यहां पर फिर लिप टिश्यूज की डेथ ज्यादा होती है नेक्रोसिस में। ओके, पर्टिकुलरली लिमिटेड टू लिप टिश्यूज, जनरली लिप के टिश्यूज का नेक्रोसिस होता है, और लिप के टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा है तो इसके लिए नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनकी डिफिशियंसी पर ऐसा हो सकता है? तो 4 एलिमेंट्स है, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ओके, कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, इसकी डिफिशियंसी कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, और नेक्रोसिस के एक और रिस्पॉन्सिबल होगा पोटेशियम। पोटेशियम, तो अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस बोथ के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहे हैं वो चेक करो। कैल्शियम और कॉपर नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये कॉमन है। ओके, आ रहा समझ में? इसलिए मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों कॉज करवा सकते हैं अगर डिफिशियंट अमाउंट में हुए। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट सेल डिवीजन को इनहिबिट कर सकते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इस तरह से नए टिश्यू, नए ऑर्गन, नई सेल्स नहीं बनेगी। ओके, यंगर पार्ट अफेक्टेड होंगे, न्यू सेल्स और टिश्यूज डू नॉट फॉर्म। ओके, और इसलिए यंगर पार्ट ज्यादा अफेक्टेड होंगे, यंगर पार्ट अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, सेल डिवीजन रुक गया तो। सेल डिवीजन कौन रोकेगा? तो सेल डिवीजन के लिए अगेन वहां पर 4 एलिमेंट है, जिसमें फिर से कॉमन आएगा पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम एंड सल्फर। ओके, तो इसके लिए
deficient amount of nitrogen, sulfur, molybdenum, potassium is responsible. जिसमें से पोटेशियम इसमें भी कॉमन आ रहा है. पोटेशियम क्लोरोसिस में, नेक्रोसिस में एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इसमें भी कॉमन है. ठीक है, पोटेशियम को छोड़ दे, ओके, पोटेशियम को छोड़ दे तो नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम ये तीनों फ्लावरिंग को डिले कॉज करवा सकते हैं, फ्लावरिंग लेट कॉज करवा सकते हैं, तो डिले इन फ्लावरिंग मतलब पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग आना चाहिए थी ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस हो सके और उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में हार्वेस्टिंग अच्छी हो सके. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ओके, आप लोग को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा. तो नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ nitrogen, sulfur, molybdenum also cause delay in flowering. Okay, तो flowering period के बाद में flower आ रहा है तो unfavorable condition हो सकती है और अच्छे से fertilization नहीं होगा. Screenshot ले लो बेटा. Done. Done, sir. ये हो गया डिफिशियंसी से रिलेटेड. नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी से रिलेटेड. डिफिशियंसी में अमाउंट कम हो रहा था, टॉक्सिसिटी में क्या बोलेंगे? ज्यादा अमाउंट. यस, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज्यादा अमाउंट अगर हुआ किसी मिनरल का तो वो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है प्लांट ग्रोथ को. लेकिन जब वो एडिक्वेट अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है, एबंडेंस में है और वो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है तब हम उसको टॉक्सिक नहीं कहेंगे. लेकिन वो अगर हार्म पहुंचाने लगे, दूसरे मिनरल्स को अफेक्ट करने लगे या कोई वहां पर उसके कारण कोई अबनॉर्मल कंडीशन दिखे तब हम उसको टॉक्सिक कहते हैं. और टॉक्सिसिटी के लिए डेफिनेशन है कि अगर वो प्लांट के ड्राई मैटर का 10% या उससे ज्यादा लॉस करवा देता है तब वो हायर अमाउंट में वो मिनरल टॉक्सिक कहलाएगा. ठीक है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स इसको हम डिफाइन करेंगे. व्हेन अ मिनरल और एसेंशियल न्यूट्रिएंट, essential nutrient in its high concentration
needs high amount than critical concentration causes decrease in in percent or more in dry weight of a tissue or tissues of a tissue or tissues, then it is said to be toxic. और इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी. ओके, कोई भी न्यूट्रिएंट कब टॉक्सिक होगा, जब वो एक तो सबसे पहली कंडीशन की वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है और ज्यादा होकर के फिर वो टिश्यू में, टिश्यू के ड्राई वेट में 10% से 10% या उससे ज्यादा अगर लॉस करवा रहा है, ठीक है, अब सभी में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर वो टॉक्सिसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग लेवल होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, मैक्रोन्यूट्रिएंट का. और सभी प्लांट्स में भी अलग अलग लेवल पर लगते हैं कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स, किसी में ज्यादा एक्युमुलेट होते हैं कोई मटेरियल्स. इसलिए टॉक्सिसिटी लेवल सभी के लिए एक साथ में नहीं डिफाइन किया जा सकता, सभी के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है. एक एग्जांपल आप लोग को एनसीईआरटी में देता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का. तो मैग्नीज अगर टॉक्सिक कंडीशन में है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा लॉस करवा रहा है टिश्यू का, तो उसके कारण जो वेन है, मिडिल वेन, मिडरिप वगैरह और मिडिल वेन्स वगैरह वहां पर, तो मिडरिप और वेन्स के पास में क्लोरोसिस होगा और वो क्लोरोटिक वेन्स के पास में व्हाइट स्पॉट्स भी दिखेंगे आपको या ब्राउन स्पॉट भी दिखेंगे. ओके, तो व्हाइट ब्राउन स्पॉट्स अगर आपको दिख रहे हैं वेन के पास में, और वेन भी कैसी हो चुकी है, क्लोरोटिक, मतलब कि क्लोरोसिस हो चुका है उसमें वेन में, उसके आसपास में क्लोरोफिल नहीं है, उसके अपर पार्ट में जो मेसोफिल सेल्स है उनका क्लोरोफिल लॉस हो चुका है. ये कैसे कॉज करवाता है, तो मैग्नीज, मैग्नीज हमने कहा था कि क्लोरोसिस कॉज करवा सकता है डिफिशियंसी में. ओके, जब वो कम अमाउंट में है तब मैग्नीज क्लोरोसिस कॉज करवाता है, तो लेकिन यहां पर तो हायर अमाउंट में है तो क्लोरोसिस क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दो के साथ में कंपीट करता है फिर. ओके, मैग्नीज कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कंपीट करता है, ठीक है, कभी कभार तो इवन ये आयरन के साथ में भी कंपीट कर जाएगा. तो आप लिखोगे आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो मैग्नीज बढ़ने पर इन तीनों की डिफिशियंसी हो सकती है, और मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है उसके कारण इन तीनों की डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको अपियर हो सकते हैं. ओके, तो लाइक हमने कहा यहां पर जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी है, इट मींस मैग्नीज आपका कितना है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है और वो टिश्यू को हार्म पहुंचा रहा है 10% या उससे ज्यादा. ओके, उसके ड्राई मैटर लॉस करवा रहा है. तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी ये कंपीट करता है कॉजेज आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके साथ में कंपीट करता है और इनकी डिफिशियंसी कॉज करवा देता है. और आपको पता है कि मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम ये भी लगते हैं
वहां पर आयरन मैग्नीशियम भी हमने लिखा था क्लोरोसिस के लिए, ठीक है, आया समझ में? तो इसके कारण मैंगनीज टॉक्सिसिटी का सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको? सिम्टम्स ये दिखेंगे कि अगर कोई एक लीफ है तो इस लीफ में जो मिडरिब है और बाकी अदर वेन्स है ये ग्रीन होना चाहिए थी, लेकिन अब ये ग्रीन नहीं दिखेगी आपको। इसके आसपास के अपर लेयर की जो मेसोफिल से वेन के पास वाली, इसका क्लोरोसिस हो चुका है वेन के पास में, वेन मिडरिब और अदर वेन्स के पास में, और इसके कारण अब ये क्लोरोटिक, इसलिए मैं अब यहाँ पर ग्रीन के ऊपर, यहाँ पर ये पहले ग्रीन थी, मैग्नीशियम सॉरी मैंगनीज टॉक्सिसिटी के कारण, ओके, ऐसे हो गई। बाकी जगह पर ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है, बाकी लीफ का ग्रीन कलर है, लेकिन इसके आसपास में यहाँ पर आपको ब्राउन या व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे जहां जहां पर वेन है वहां पर। बाकी जगह पर ये ग्रीन, बाकी जगह पर ग्रीन और वेन के पास में ये नॉन ग्रीन हो जाएगी और इवन वेन्स भी नॉन ग्रीन हो जाएगा। दूसरे प्लांट में जब हम लीफ बनाते हैं तो वेन को भी हम ऊपर से ग्रीन वहां पर अपीयर करवा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वेन के ऊपर जो लेयर रहती है मेसोफिल सेल जो ऊपर सेल्स है तो पेरिसेट वो जो पेरेंकाइमा सेल्स है वो वहां पर स्पॉन्जी और पेरिसेट पेरेंकाइमा में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें आपको जो सेल्स और बंडल सिस्टर्स मिल सकती है C3 और C4 प्लांट की लीक के बेसिस पर। सब जगह पर आपको ग्रीन दिखाना है, बस वेन के पास में ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। हम इसको बोलते हैं क्लोरोटिक वेन्स, वेन के आसपास क्लोरोसिस हो चुका है। ठीक है, तो
आपको लीफ अगर इस तरह से दिख रही है, पूरी तरह से ऊपर से वो पूरी ग्रीन नहीं दिख रही है, वेन्स के पास में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ऐसा अपीयर हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि वहां पर मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि मैंगनीज ने फिर आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम की डिफिशियंसी कॉज की है। ओके, मिड्रिक में ज्यादातर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम भी नहीं आ रहा है, कैल्शियम का अपटेक भी वहां पर रुक गया है। ठीक है, ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी है एग्जांपल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। डन। गुड। डन सर। डन सर। ओके, अब इसके बाद में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि फिर आगे एनसीईआरटी में बोलता है सॉइल एज रिजर्वायर, तो यस सॉइल में मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए उसको सॉइल को रिजर्वायर बोलते हैं मिनरल्स का, एलिमेंट्स का। ठीक है, अपटेक तो हम प्लांट वाटर रिलेशंस में पढ़ चुके कि सॉल्यूट का कैसा अपटेक होता है, एक्टिवली अब्सॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से प्लांट के अंदर। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मिक से अगर होगा तो सिम्प्लास्टिक पाथवे, और सेल वॉल से होगा तो एपोप्लास्टिक पाथवे वाटर और मिनरल्स के लिए। ये पढ़ चुके हैं, जो फोर्स डेवलप होता है उसको फ्लक्स बोलेगा, जिसके हेल्प से वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवेज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन आता कहां से। ओके, तो आपको ये पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है 71-78% तक नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म। सबसे अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, सबसे रिच अमाउंट में मिलने वाली गैस है नाइट्रोजन। तो अगर ये नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे आएगी सॉइल तक, और सॉइल से कैसे ऑर्गेनिजम्स तक। ओके, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के पास अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में आती है। ओके, सॉइल के पास अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में आती है सॉइल। ओके, ये एटमॉस्फेयर। सॉइल जो रिजर्वायर हम बोल रहे हैं सभी मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का, उसके पास में नाइट्रोजन जनरली अमोनिया नाइट्राइट NO2 नेगेटिव या नाइट्रेट इस फॉर्म में, नाइट्रेट इन आयंस के फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। ये नाइट्राइट नाइट्रेट दिख रहा है क्या बेटा आप लोगों को, क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर? ओके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की, इसको क्या होगा। ओके, तो ये आते कैसे हैं, क्या होता है नाइट्रोजन में, तो तीन तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है। नाइट्रोजन तीन तरह से फिक्स हो सकता है, एक है बायोलॉजिकल पाथवे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
जिससे अमोनिया बन सकता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला तरीका, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करे, जैसे कि बहुत सारे सभी साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेटरोसिस मिलती है और हेटरोसिस में नाइट्रोजिनेजेस एंजाइम्स मिलते हैं, ओके? और ये नाइट्रोजिनेजेस एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया फॉर्म करते हैं और फिर सॉइल को दे देते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली प्लांट को दे देते हैं अगर वो सिंबायोटिक एसोसिएशन में रहे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं। तो जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हम जिनको कहेंगे, मतलब किसी प्लांट के साथ में नहीं जुड़े हैं, वो सॉइल में अमोनिया बना करके दे देते हैं। और जो हम सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को दो टाइप में पढ़ेंगे, सिंबायोटिक एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया के फॉर्म में, ओके? तो जो सिंबायोटिक होगा वो प्लांट की रूट के अंदर इन्फेक्ट करेंगे, रूट नोडल बनाएंगे और प्लांट को डायरेक्टली प्लांट को अमोनिया बना करके देंगे। लेकिन जो फ्री लिविंग है, जो सॉइल में ही पड़े रहते हैं, सॉइल बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते, उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल करके सॉइल में दे देते हैं, ये सॉइल वाले बैक्टीरिया के लिए। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इंडस्ट्रियली अमोनिया बनाया जा सकता है। आप लोगों ने शायद पढ़ी हो अभी तक प्रोसेस, हैबर प्रोसेस पढ़ी क्या? हैबर प्रोसेस पढ़ी क्या आप लोगों ने? बोलते नहीं हो यार आप लोग, क्लास बंद कर दूं क्या बेटा, कोई नहीं सुन रहा है तो? No, sir. देखो इतना बोलने पर भी एक ही स्टूडेंट का और रिप्लाई आया। हैबर प्रोसेस पढ़ी क्या बेटा हिमांशु तुमने? अब जो रिप्लाई देगा उसी से उसी को पूछा करूंगा, और जो बार बार रिप्लाई नहीं दिया करेगा तो कल से फिर क्लास में एंटर भी नहीं करने दूंगा। हाँ, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया बनाई जाती है, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाने के लिए यहाँ पर 2N2 और 3H2 इस तरह से इंडस्ट्री में बनाई जाती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशंस में ये बनाई जाती है हैबर प्रोसेस में। तो दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फिक्स करते हैं ये हैबर प्रोसेस में, इंडस्ट्री में हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया। एक और फिक्सेशन होता है, लेकिन वो फिक्सेशन होता है इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेरिक जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह होगा उसके कारण फिक्सेशन होता है। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से, मतलब जब लाइटनिंग वगैरह होती है ना, थंडर आता है, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन जो गैस है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो NO3 वहां पर बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है? अब अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट ये बनाने वाले बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ओके? तो यहां पर जो बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, सॉइल बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन का फर्दर जो है वहां पर प्रोसेस करते हैं, तो इनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहां पर और यहां पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लगेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन जो फिक्स हो चुकी है अमोनिया में
उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ओके, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, मतलब ऑक्सीडेशन करना उसका, ठीक है। प्लांट के अंदर नाइट्रेट का जस्ट उल्टा भी हो सकता है और उसका ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन होकर के वो अमोनिया बना सकता है। तो नाइट्रेट नाइट्राइट से अमोनिया बनना ये रिडक्शन, और अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रेट बनना ये ऑक्सीडेशन, ओके, ध्यान रखना। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट बना सकते हैं अमोनिया से सॉइल के अंदर। लेकिन ये वापस कैसे मिलती है एटमॉस्फेयर को, इतनी सारी एटमॉस्फेयर में और इतना टाइम हो चुका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ओके, 2 बिलियन ईयर पहले लिविंग सेल बनी थी, हमेशा इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2 बिलियन ईयर से कोई ना कोई नाइट्रोजन ले रहा है वहां पर, तो नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन वापस भी मिलता है। वापस कैसे मिलता है, तो ये सॉइल से एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, सॉइल में कैसे आएगा वापस, हम वो बाद में देखेंगे। पहले सॉइल में आ रहा है, सॉइल से वापस कैसे जाएगा, तो जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रिफिकेशन डीकम्पोजिशन से भी होता है। तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, एनसीईआरटी में कुछ एनसीईआरटी में एरो गलत दिखाया है, यहाँ पर दिया है एरो का साइन, वो ऐसा होना चाहिए, उसको चेंज कर देना अगर आपकी बुक है तो। आप डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे सॉइल के अंदर पड़े हुए, और दूसरी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेसेस भी हो सकती है डीकम्पोजिशन वगैरह से। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन कॉज करवाएंगे। तो मतलब नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन फिक्स होता है अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट में, और डीनाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट वापस से क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन, ओके। तो एनसीईआरटी चेक कर लेना बेटा आपकी घर पे, अगर आपने अभी ओपन किए तो अभी कर दो करेक्शन, नहीं किया है, नहीं है अभी आपके पास में तो बाद में क्लास के बाद में कर देना, ओके। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस तरह से मिल गई। अब ये सॉइल वाली नाइट्रोजन फिर ऑर्गेनिज्म तक कैसे जा रही है, हम तक कैसे आ रही है? सर बोर्ड इज ब्लर, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है मुझे तो। हिमांशु बोर्ड क्लियर है क्या बेटा? यस सर क्लियर है। ओके तो फिर कौन है ये स्टूडेंट, वैष्णवी, वैष्णवी पाटिल। वैष्णवी बेटा आपका, आप नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लेना या फिर कोई सेंड करेगा ग्रुप में ये, तब देख लेना। नेक्स्ट, अमोनिया या नाइट्राइट नाइट्रेट ये प्लांट के पास में जाते हैं सबसे पहले, ओके। प्लांट कैसे लेता है इनको, या तो रूट से अब्सॉर्ब करेगा, या फिर जो प्लांट रूट से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। तो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट का अपटेक करेगा ये, मतलब लेगा प्लांट्स, प्लांट्स लेकर के अपने नए टिश्यूज बनाएगा, नए स्ट्रक्चर, नए प्रोटीन बनाएगा, नए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा, बाकी सभी नाइट्रोजन पड़े आप लोगों ने क्या क्या काम करता है, तो सारे वहां पर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। फिर प्लांट्स को या तो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ओके, प्लांट्स को या तो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, या फिर उनका डेथ होने पर डीकम्पोजिशन हो जाता है, डेथ होने पर डीकम्पोजिशन हो जाएगा। आपको बताएं कि एनिमल भी ग्रो करेंगे और एनिमल की भी डेथ होने पर उनका डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजिशन से वापस से अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट ये वापस से मिल जाएगा सॉइल को, ओके, डीकम्पोजिशन प्रोसेस से जो नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट जो निकले, तो अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट मिले तो सॉइल को मिल जाएंगे डायरेक्ट, अगर नाइट्रोजन अगर कुछ बन पाया तो वो एटमोस्फेयर को जाएगा। जनरली अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट
कंपाउंड रिलीज होंगे वहां से, ठीक है। इसी को हम नाइट्रोजन का साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन सर डन सर डन। नेक्स्ट टर्म है कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए एनसीईआरटी में, वो आप नोट कर सकते हैं। लाइक नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस, ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया के नाम दिए एनसीईआरटी में, वो ध्यान रखना, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। वही नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला नाइट्रोबैक्टर, ओके। ये जो प्रोसेस है अमोनिया से नाइट्राइट, ओके, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले, ये दो तरह के बैक्टीरिया के नाम वहां पर दिए हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। वही नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रो बैक्टर, ठीक है। एनसीईआरटी में नाम है, नहीं भी आपने अभी लिखा तो चल जाएगा, बट आपकी कॉपी में मेंशन कर लेना नोट्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं भी दिया तो चलेगा। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया यूजुअली कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये भी एक टर्म दिया है, इसलिए याद रखना, अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, तो तब आपको ध्यान रखना है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस या नाइट्रोबैक्टर जो ऑप्शन आएंगे, ये तीनों के तीनों कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, केमिकल की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, मतलब अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट सबका हो गया होगा बेटा? यस सर डन सर। तो नेक्स्ट टर्म है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपका लास्ट पार्ट है अभी इसका, लेकिन ये कल ही कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि रूट नोडल वगैरह अभी हम आपको बताना है, वो इंपॉर्टेंट है, अभी मैं केवल स्टार्टिंग कर देता हूँ इसका, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ताकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता रहे, ताकि कल आकर के हम केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस प्रॉपर मैकेनिज्म को देख सके और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, हमने नाइट्रिफिकेशन वगैरह तो पढ़ ही लिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या कर रहे थे, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये नाइट्रिफिकेशन हो गया, ओके। लेकिन अगर अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट से वापस नाइट्रोजन बनाया तो उसको हमने कहा था डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो सुडोमोनास है वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ओके, सुडोमोनास डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, मतलब वो नाइट्रोजन बना सकता है इनसे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया से। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग बीइंग वहां पर पार्टिसिपेट करेगा, ओके? लिविंग किसी लिविंग बीइंग की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होना, तो प्लांट तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते, ओके? मतलब प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता, ये आपको क्लियरली याद रखना है। मतलब कि वो सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन के नाइट्राइड नाइट्रेट या अमोनियम आयन को अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है? तो प्लांट या कोई एनिमल डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, ओनली बैक्टीरिया के पास में, कुछ बैक्टीरिया के पास में प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के पास में प्रॉपर्टी है, और उनमें भी सबसे ज्यादा है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास में स्पेशल टाइप की सिस्ट हमने पढ़ी थी पेंडम मोनेरा में, हेट्रोसिस्ट, और उस साइनोबैक्टीरिया, कोई भी एक साइनोबैक्टीरियम है तो साइनोबैक्टीरियम के पास में हेट्रोसिस्ट होगी, और उस हेट्रोसिस्ट में मेनी हेट्रोसिस्ट हो सकती है एक से ज्यादा, और इच हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स, वहां पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पर एक्ट करके इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ओके? एन ट्रिपल बॉन्ड एन को से अमोनिया बनाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ यहाँ पर? बेसिक प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, या इनमें से कोई भी नहीं? नाइट्रोजन से अमोनिया बनना रिडक्शन, 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 उसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ओके? तो N2 से अमोनिया बनना। अब आपको यहाँ पर कोई वहां पर इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस नहीं करना है अभी, बिना हाइड्रोजन के हम यहाँ पर अमोनिया नहीं बना सकते, और दो नाइट्रोजन है तो फिर वहां पर दो अमोनिया बना करके दिखाना पड़ते, ठीक है? तो प्रोसेस को हम आगे करेंगे, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि एक्चुअल में नाइट्रोजन N2 से अमोनिया NH3 नाइट्रोजिनेसिस एंजाइम्स के कारण बनता है। तो इसके लिए स्पेशल यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, इसलिए ईच एंड एवरी साइनोबैक्टीरियम पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्लियर? ये ध्यान रखना, तो सभी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये जो हेट्रोसिस्ट होती है, हेट्रोसिस्ट में PS2 अनअवेलेबल होता है, PS2 अब्सेंट होता है, तो क्या हो जाएगा हेट्रोसिस्ट का कैरेक्टर बेटा? PS2 अगर अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? हेट्रोसिस्ट लैक PS2, क्या हो जाएगा उससे? क्या काम करता है PS2? पूरे पार्ट मागे सब पार्ट, और बाकी तो सभी लोग तो आवाज देते ही नहीं, रिस्पॉन्स देते ही नहीं, PS2 का क्या फंक्शन है? लाइट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना। क्या करना? किसके इलेक्ट्रॉन? किसके इलेक्ट्रॉन? PS2 हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? जेड स्कीम में। जेड स्कीम कौन से चैप्टर में पढ़ी थी?
फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन आया था क्या कहीं से? कहीं तक वहां पर तो CO2 का रिडक्शन हो रहा था, तो PS2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन करके? H2O का। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है जिन सेल्स में, वहां पर PS2 प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के पास में, वहां पर एसोसिएटेड होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं 1 और 2। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम वहां पर 1 और 2। तो 2 वाटर का ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्साइट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा, और उसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन स्टार्ट होती है, जेड स्कीम। ओके, और उससे एटीपी एनएडीपीएच2 बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो पीएस2 अगर नहीं होगा तो एटीपी एनएडीपीएच2 और ऑक्सीजन ये प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। अब पीएस1 भी कुछ एटीपी बना लेता है, तो पीएस2 अपसेट होने से एनएडीपीएच2 एंड ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, मतलब हेटरोसिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बाकी जो बाकी दूसरी जो सिस्ट है इसकी, साइनोबैक्टीरियम की, होमोसिस या आइसोसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इसलिए हेटरोसिस डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, फोटो इवोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, हेटरोसिस में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्लियर। बाकी साइनोबैक्टेरियम में होता है, साइनोबैक्टेरिया के पास में बहुत सारी सिस्ट है, उनमें से बाकी सभी सेम साइज शेप वाली है, इसलिए उनको होमोसिस या आइसोसिस बोलते हैं। तो होमोसिस या आइसोसिस में पीएस2 होता है, ओके, हेटरोसिस में पीएस2 अब्सेंट होता है। तो होमोसिस में प्रेजेंट रहेगा इसलिए वहां पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, और हेटरोसिस में पीएस2 अब्सेंट है इसलिए उसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होता यहाँ पर हेटरोसिस में, क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी होमोसिस में यहाँ पर क्यों नहीं रखा? कोई तो रीजन होगा। ये जो नाइट्रोजिनेसेज एंजाइम है, इस नाइट्रोजिनेसेज एंजाइम के लिए मॉलिब्डेनम एंड आयरन, ये दो लगते हैं, मॉलिब्डेनम एंड आयरन, ये दो आयंस लगती है वहां पर, ये मिनरल्स जो नाइट्रोजिनेसेज को एक्टिव करते हैं। और मॉलिब्डेनम के लिए ऑक्सीजन पॉइजन की तरह, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉलिब्डेनम अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसके लिए हेटरोसिस्ट में पीएस2 अब्सेंट होता है ताकि ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो, और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा तो मॉलिब्डेनम अपना काम कर पाएगा, नाइट्रोजिनेसेज एंजाइम को एक्टिव रख पाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम, आप पढ़ लेते हो पूरा का पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और क्वेश्चन आता है यहाँ पर हेटरोसिस में क्यों ऑब्सेंट होता है, वहां पर ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलता, या पीएस2 क्यों ऑब्सेंट होता है, या फिर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे देते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी प्लस आपको पढ़ना है। अब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं फिर, जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक होंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरे होंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसलिए हम वहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, और फ्री लिविंग बैक्टीरिया सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे। ठीक है, फ्री लिविंग मतलब इंडिविजुअली प्रेजेंट, सिम्बायोटिक मतलब किसी प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएशन करके प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट बचा होगा किसी को तो पूछ लो जल्दी से। Then, सर क्वेश्चन डिस्कशन कब होगा? क्वेश्चन डिस्कशन सर पेपर पे, पहले आंसर की तो मिल जाने दो, तुमको आकाश सर तुमको आंसर की सेंड कर देंगे, आंसर की तो मिल जाने दो। ठीक है, आंसर की मैं सेंड कर दूंगा आकाश सर को, आज वो बना लेंगे और आप लोग को सेंड कर देंगे, आंसर की कल मिल जाएगी। तो उसके बाद में पहले तो डाउट चेक कर लेना पहले तो, और फिर उसके बाद में कोई डाउट बचता है तो फिर मैं आपको कल बात करता हूँ उससे। डन सर।
अदर बैचेस में? डन सर। डन। गुड, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे उसके साथ। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो बेटा हिमांशु, क्या बोल रहे हो जल्दी बताओ। सर ये संडे को अपना टेस्ट है ना बायोलॉजी का, सब्जेक्टिव? हाँ सर सब्जेक्टिव। हाँ तो स्टेट बोर्ड वालों का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला नहीं हुआ है ना टॉपिक स्टेट बोर्ड में अभी, तो स्टेट बोर्ड वालों को वो टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला, मतलब रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, स्टेट बोर्ड वालों के लिए सब्जेक्टिव का पेपर, और सीबीएसई बोर्ड का ये हो चुका है फ्लावरिंग प्लांट वाला, इसलिए उनमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू सर। ओके।